बड़वा ब्लॉक के सनावद में जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह ने पुलिस थाना परिसर में आगामी रामनवमी पर निकलने वाले श्रीराम जुलूस और गड़गौड़ पर्व की व्यवस्था एवं मुस्लिम समाज के रमजान पर्व को लेकर धार्मिक संगठन के सदस्यों के साथ बैठक की। एसपी सिंह ने कहा कि पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और सद्भावना पूर्वक हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जुलूस मार्ग पर आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एसपी ने कहा कि श्री राम नवमी शुद्ध रूप से मनाई जाए, इसके सभी पक्षधर हैं। किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सूचना या जानकारी है तो वो पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में लाएं। साथ ही आयोजन समिति अपनी तरफ से वॉलेंटियर नियुक्त करे जो एक निश्चित टी शर्ट, बैच और कैप के साथ व्यवस्थाएं संभाले। बैठक में एसडीएम बीएस क्लेश, एसडीओपी विनोद दीक्षित, तहसीलदार शिवराम कनासे सहित धार्मिक संगठन के सदस्य मौजूद रहे। मार्च महीने में और अप्रैल महीने में काफी बड़े धार्मिक आयोजन होंगे। धार्मिक आयोजनों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भागीदारी करते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो, समाज में समरसता कैसे हो और सभी समाज मिलकर किस प्रकार से भव्य आयोजन करें, इसकी सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने आयोजकगणों के साथ में, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ में बैठक की है। जनरली जो चिंता रहती है, आज के समय सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर हो गया है। सोशल मीडिया में किसी प्रकार का आपत्तिजनक स्टेटस है, आपत्तिजनक कोई पोस्ट की हुई है, उसके कारण काफ़ी चीज़ें खराब होती हैं। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए हमने अलग से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टीम बनाई हुई है। ऐसे व्यक्ति जो आपत्तिजनक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, उनके अंगेतुल कार्रवाई भी कर रहे हैं, नोटिस भी जारी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से सभी समाज के लोगों से भी अपील है कि यदि उनके संज्ञान में कोई ऐसी पोस्ट आती है जो विद्वेषपूर्ण है, आपत्तिजनक है, तो हमारे संज्ञान में लेके आएँ। ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बाकी यहाँ बैठक बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई है, दोनों समाज के लोगों ने मिलकर आश्वस्त किया है कि बहुत ही भव्य आयोजन होगा।